चलिए दोस्तों इस मैथ को समझते हैं। तो देखते हैं ऊपर है। पहले आपको मैं एक फार्मूला बता देना चाहता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला अभी काम आएगा, यहीं पे आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऊपर है 5.4, इसका क्यूब है माइनस, देखिए 0.064 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.4 का क्यूब लिख सकते हैं। चलिए अब नीचे देखते हैं, 5.4 स्क्वायर है प्लस, देखिए यहाँ पे हम लोग अभी क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5.4 इंटू 0.4, इसका अगर मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2.16। कितना आएगा? 2.16, आप मल्टीपल कर लीजिए। और 0.16 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर ही तो 16 आएगा ना। तो अब देखिए ये ए क्यूब ये बी क्यूब इस फॉर्मूला पे ये आ गया है। तो ऊपर हम लोगों को क्या करना है, पहले 5.4 माइनस 0.4, पहले ए माइनस बी उसके बाद ए स्क्वायर, तो 5.4 स्क्वायर उसके बाद प्लस ए बी 5 × 4 इंटू 0.4 उसके बाद बी स्क्वायर मतलब 0.4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है 5.4 स्क्वायर है प्लस 5.4 गुना 0.4 प्लस 0.4 स्क्वायर। देखिए एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो है 5.4 × 5.4 ये सेम है पूरा, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट सेम है, तो ये कट जाएगा। तो बचाइए 5.4 से 0.4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। यही सवाल का उत्तर है जो ऑप्शन ए में है। चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।